हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ईएमआई के क्वेश्चन किए, एसी के क्वेश्चन किए, अब हम लोग आ रहे हैं ईएम वेव्स के एक अच्छे क्वेश्चन पे। ईएम वेव्स वाला जो चैप्टर है, देखिए 12 की फिजिक्स में ईएम वेव्स जो है छोटा सा एक चैप्टर, बट क्वेश्चन वाइज तो वो भी इंपॉर्टेंट है भाई। एक चैप्टर है पूरा पूरा भाई, रे ऑप्टिक्स का भी एक चैप्टर, ईएम वेव्स का भी एक चैप्टर। ऑप्टिक्स से भी आते हैं क्वेश्चन, ईएम वेव्स से भी आएंगे। ईएम वेव्स का जो ये चैप्टर है उसमें लोगों को बिल्कुल पढ़ने के लिए कुछ मिलते ही नहीं, बोलते छोटा चैप्टर है, कुछ है नहीं, सब थ्योरी थ्योरी। पलटो ना, एक कॉन्सेप्ट वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो नीट में और जेईई मेंस से पूछी जा सकती है, नीट और जेईई मेंस दोनों में पूछी जा सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या है वो कॉन्सेप्ट? वो कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट की। डिस्प्लेसमेंट करंट की कॉन्सेप्ट ये है कि एक कैपेसिटर में जब वो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग में होता है तो कैपेसिटर की प्लेट्स के भीतर यहाँ पे एक करंट होती है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। बाहर वाली जो वायर में करंट होती है उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। बाहर वाली होती है कंडक्शन करंट, ये वाली होती है कंडक्शन करंट। ये जो कैपेसिटर की प्लेट के भीतर होती है ये होती है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या डिफरेंस है कि कंडक्शन करंट जो है वो बाहर कंडक्शन चार्ज के चलने से, डिस्प्लेसमेंट करंट चार्ज के चलने के फॉर्म में नहीं दिखती, ये दिखती है अपनी प्रेजेंस शो करती है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। ये अपनी प्रेजेंस शो करती है मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से? इस डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्प्लेस होने से बदलने चाहिए, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला? एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। बट इसी एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी को जब सॉल्व करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू बाहर कंडक्शन करंट की वैल्यू के सेम आती है। भाई ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ 2 एम्पेयर होगी अंदर 3 एम्पेयर हो जाएगी, कंटिन्यूटी ऑफ चार्ज तो रहेगा ही रहेगा। तो जितनी करंट बाहर होती है उतनी करंट अंदर होती है, बस नाम अलग अलग है, बाहर कंडक्शन अंदर डिस्प्लेसमेंट। तो अंदर जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो बाहर की कंडक्शन करंट के इक्वल होती है, वैल्यू होती है डी क्यू बाई डी टी। वैल्यू कितनी होती है? डी क्यू बाई डी टी। तो लिखा है क्वेश्चन में चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर वेरीज एज क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस 2πft। चार्ज का टाइम के साथ फंक्शन दे रखा है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू एरिया। ये तो खैर हमारे सारे एजम्पशन के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एजम्पशन ही है बेसिक, कि प्लेट्स के बीच में गैप बहुत छोटा लेते हैं इन कंपेयर टू एरिया। पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट चाहिए। तो अगर ये क्यू दे रखा है कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग डी क्यू बाई डी टी निकाल सकते हैं। और वो डी क्यू बाई डी टी क्या देगा? वो डी क्यू बाई डी टी बाहर कंडक्शन करंट भी देगा और कैपेसिटर के प्लेट्स के भीतर डिस्प्लेसमेंट करंट भी देगा। तो कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट करंट या कंडक्शन करंट? तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा आ गया बाहर, 2πf आ गया बाहर, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, ये रहा माइनस साइन 2πft, 2πft का 2πf बाहर। ये आ गई हमारी करंट। अब ये करंट का जो हमें फंक्शन दे रखा है, ये जो निकला है, ये टाइम के साथ साइनसोइडल फंक्शन है, करंट बदलेगी, लेकिन हमें करंट की पीक वैल्यू चाहिए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी क्यू नॉट इंटू 2πf, क्यू नॉट इंटू 2πf। ये हो गई करंट की मैक्सिमम वैल्यू, क्यू नॉट इंटू 2πf, फर्स्ट ऑप्शन। कैसे किया हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट करंट की कॉन्सेप्ट लगाई। और याद रखना ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज इक्वल एग्जैक्टली सेम एज द कंडक्शन करंट आउटसाइड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। जितना कैपेसिटर की प्लेट्स के बाहर कंडक्शन करंट होती है उतना ही कैपेसिटर की प्लेट्स के भीतर डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में जब चार्ज बदलेगा तो फील्ड बदलेगी, तो फ्लक्स बदलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलेगा तो करंट आएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलेगा तो करंट आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ई के बदलने से बी और बी के बदलने से ई आना ही तो इंडक्शन है, और यही तो ई और बी की सिमेट्री प्रूव करता है। आगे बढ़ते हैं।